वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। एक नजर डालते हैं बजट के मुख्य मुद्दों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020 के लिए शुक्रवार को संसद में बजट पेश किया है। इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान घरों और FDI इन्वेस्टमेंट पर दिया गया है। आइए नजर डालते हैं यूनियन बजट की हाइलाइट्स पर। वित्त मंत्री के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था इस साल 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। सरकार सरकारी कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी बेचकर वित्त वर्ष 2020 में 1,05,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। आम लोगों के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। 2 से 5 करोड़ रुपए की आय पर सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ से ज्यादा आय पर 7% अतिरिक्त कर देना होगा। ब्याज पर छूट की सीमा 2 से बढ़कर 3.5 लाख हुई। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट। टैक्स भरने के लिए सिर्फ आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर घर जल यानी 2022 तक पानी को हर घर तक पहुंचाया जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ाया गया। अगर एक साल में बैंक से 1 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे तो 2% का टैक्स कटेगा। डिफेंस इक्विपमेंट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को हटाया जाएगा। ऑटो पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा। गोल्ड यानी सोने के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर से GST को 12% से कम करके 5% करने की सिफारिश GST काउंसिल से की है और 1.5 लाख की छूट इनकम टैक्स में मिलेगी। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू पिछले 5 साल में 6,38,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में 11,37,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कॉरपोरेट टैक्स में 25% का दायरा 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों तक कर दिया गया है। सरकारी बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। आधार कार्ड को NRI के लिए भी लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए नारी तू नारायणी का नारा मुद्रा योजना के तहत 1 लाख तक का लोन लेना आसान हो जाएगा। रेलवे को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलाया जाएगा। इसके साथ साथ 45 लाख का घर खरीदने पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी। उजैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।